सलाम वालेकुम। कांग्रेस के जो डेवलपमेंट्स इस वक्त जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में चल रही है, मैं उस पर बात नहीं करूंगा। मैं बात करूंगा थोड़ा जो लाइन ऑफ एक्शन अब आइंदा हिकमत अमली ऐसे लीडर्स की होगी जो चाहते हैं कि कांग्रेस को मजबूत बनाए, और मजबूत बनाने में उनका क्या योगदान होगा, क्या कंट्रीब्यूशन होगा। हमने देखा कि जो डेवलपमेंट्स हो रही है, नया सदर बन रहा है और कुछ ऐसे फॉर्मर लेजिस्लेटर जो है वो इस्तीफा भी दे रहे हैं। लेकिन मेरे साथ कांग्रेस के बानी मेंबर इस लिहाज से क्योंकि जनूबी कश्मीर में अगर कहेंगे कि पीरजादा सईद के बाद अगर कोई सीनियर कांग्रेस का नेता है, वो जमीनी सतह से जो जुड़ के हमेशा रहा है, वो मोहम्मद अमीन भट्ट साहब है। एमएलसी थे, खुद एमएलए बने, अपनी मेहनत से लोगों की नुमाइंदगी करने में पेश रहे। अमीन साहब, वाई आर यू सो मच सीरियस? आप क्यों ऐसे सीरियस है? जो भी चैनल जिस पे भी आपका इंटरव्यू आ रहा है, ऐसे लग रहा है कि आप इमोशनल हैं। तसदुक साहब, इधर देखिए सर, कैमरा की तरफ। जी, एक दो दिन से जब ये इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट का ऑर्डर हुआ है जी, तो उससे पहले एक महीने पहले हमको दिल्ली बुलाया है जी। उसमें जब मीर साहब को बनाया, सो साहब को बनाया या किसी को भी बनाया, कभी दिल्ली नहीं लेते थे जी जी। आज मैं जब मैं टंडल पर था, मुझे कोई काम था बानाल में, मुझे SMS आया और फोन आया, आप दिल्ली पहुंच जाओ, सुबह 10:30 बजे मीटिंग है, आप शाम को ही दिल्ली लेते। मैंने एयरपोर्ट फ़ोन किया, मैंने टिकट निकाला तो मैं सीधा दिल्ली पहुंच गया, और 10 बजे रात को सुबह हम मीटिंग 10:30 बजे हमने मीटिंग शुरू की। वैन गोपाल, गुलाम नबी आज़ाद और अमरीका सोनी। मीटिंग के अंदर हुआ क्या? मीटिंग में हमने एक एक करके मीटिंग किया, जनरल भी मीटिंग किया, उसमें आज़ाद साहब ने तकरीर किया, उसमें अंबिका जी ने तकरीर किया, उसमें वैन गोपाल जी ने भी तकरीर किया है। आपने वहाँ पे सर राय दी? हमने अपनी राय दी। और आपने बोला क्या? नहीं, इस वक्त हम वो नहीं बोलेंगे कि हमने क्या बोला। अभी सब खुल के बात कीजिए, प्लीज मेरी बात सुनिए, दिल से बात कीजिए। हमने वहाँ जो बोला है वैन गोपाल जी से, आज़ाद साहब से, हमने खुलकर वहां बात की, हमारे साथ कमिटमेंट की गई। किसने? लीडरों ने। किन लीडरों ने? जो वहां थे, जो जिनका नाम मैंने बताया जी, हमारे साथ कमिटमेंट किया कि किसको बनाएंगे, कांग्रेस किससे मजबूत होएगा। हमने अपनी राय दी जी। रियासत जम्मू किन इश्यूज पे बात हुई? इश्यू क्या था? यही पार्टी का, पार्टी को मजबूत बना रहा है। मीर साहब की जो डिक्लेरेशन, ये जोधपुर टर्म जो खत्म, 5 साल खत्म हो गए हैं, ये एक लाइम रेजोल्यूशन पास हुआ कांग्रेस कमेटी, उधर जो इजलास हुआ है वहां तो मीर साहब को इस्तीफा देना था जी जी, इसको इस्तीफा लेके उसके बाद ये हो गया। हमको क्यों बुला कर लिया? मुझे ये दुख है, हमने अपनी राय दी, राय जो हमने दी उस पर अमल नहीं हुआ। अमीन साहब, चूंकि ये बात जो आप कह रहे हैं ये कल से हम सुन रहे हैं, अब मुझे बताइए कांग्रेस को कैसे बचाया जाए? कांग्रेस को बचाया जाए सिर्फ एक ही रास्ता है, वो गुलाम नबी आजाद को यहाँ सीएम कैंडिडेट डिक्लेयर किया। क्या उसके लिए उसके स्टैचर के खिलाफ मत होगा? नेशनल लीडर है, क्या रियासत की बागडोर संभाले? या उसके हवाले कर दिया जाए जी। उसने इस्तीफा दिया, जब उसने इस्तीफा दिया है कंपेनिंग कमेटी से, उसने पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी से इस्तीफा दिया, उसके बाद हम किसी कमेटी में थे वो जी 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 जी, कोऑर्डिनेशन कमेटी में, जब उसने इस्तीफा दिया हमने भी सर। ये बिल्कुल, इसका ये मतलब है कि आप गुलाम नबी आजाद साहब के लॉयलिस्ट हैं? यस यस, मैं 100% जो गुलाम नबी आजाद साहब कहेंगे मैं उसके लायक। अगर मुझे याद है सर, जो आजाद साहब ने अपनी कैंपेन जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में शुरू की, एक सियासी मुहिम, जब कोई PAGD का लीडर नहीं करता था, और कांग्रेस के लीडरान में गुलाम नबी आजाद साहब पहले आए और आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में आए, आपके स्टेज पे वक्का रसूल वानी साहब ने तब हिंट्स दी थी, ड्रॉप की थी कि कांग्रेस में फेर बदल होने वाला है, क्या वक्का रसूल वानी के बनने से आप खुश है? मुझे न मैं खुश हूं न मैं दुखी हूं। बंदा किसको था? बनना किसको, वो मैं अब 2 दिन की हमारी मीटिंग है, 6-7 MLA की जो सिटिंग MLA थे जिन्होंने 40,000 वोट लिए जी। मैंने एक कदावर लीडर
मुफ्ती मोहम्मद सईद के साले को जब पीडीपी की वेव थी उसको हराया मैंने। नहीं, वो तो हमने प्रोग्राम के आगाज में आपके बारे में बोला कि आप ऐसे नेता है जिसने जीता। वो लोग पीडीपी दिवसर देते हैं, अभी मैंने देखा है दो तीन जगह पर मैंने कुछ बोला कि कांग्रेस क्यों यहाँ खत्म हो रहा है, कांग्रेस को क्या, वही न्यूज दे रहा कि अमीन भट्ट ने ये कहा। ओ भाई मेरे साथ मुकाबला करो शेर के साथ दिवसर पे। जी जी, मैं आपकी जमानत नहीं सबूत करूं। शेर अभी भी कांग्रेस में है? ओ मैं शेर हूँ कांग्रेस का, दिवसर का, दिवसर का, दिवसर कानाचौंसी का। जी जी, और सरताज मदनी की जमानत सबूत नहीं की, मैं यहाँ नहीं रहूंगा कश्मीर में क्या किसी भी जगह, क्या करेगा वो? जी जी जी, जब वो हुकूमत में होते थे सब ठीक है, जब हुकूमत से बाहर होते हैं सब गलत है। मोहम्मद जब जब हुकूमत में थी, मोदी साहब कश्मीर का मसला हल करेगा, आज क्यों नहीं बोलता? जब बोलता है लोग ताफी लेने जाते हैं, ये दूध लेने जाते थाने पर, आज क्यों, आज क्या बोलते हैं? दूसरा मसला कश्मीर का मसला, ये थोड़ा हम मानने के लिए तैयार है। हम तो जो बाहर बोलते हैं वो पीछे भी बोलते हैं। अमीन साहब एक आखिरी सवाल मुझे बताइए, कांग्रेस का जो अभी आपके हिसाब से जो बनना चाहिए सदर, क्योंकि मीर साहब की जो टेन्योर है वो खत्म हुआ, मीर साहब ने अच्छा काम किया होगा वो ज्यादा आपको ही पता होगा, और जो मेरा मुशाहिदा है मीर साहब ने भी अपनी ओर कोशिश की, लेकिन मुझे बताइए चूंकि जाहिर सी बात है एक पार्टी में एक ही सदर हमेशा नहीं रह सकता है, तो ये बताएंगे, जस्ट दिल से बात कीजिएगा विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ पॉलिटिक्स, दो मुझे इस बात का भी एहसास है कि आप पॉलिटिशियन है, आप मुझे बताइए एक ऐसा शख्स जिसको कांग्रेस का सदर एज ऑफ नाउ आप चाहते हैं कि अगर वो बनते तो आप इस्तीफा नहीं देते। देखो देखो देखो, मसला ये है कांग्रेस के कुछ विंग्स होते हैं, यूथ होता है, सेवा दल होता है, इंटेक होता है, एससी होता है, एसटी होता है, महिला विंग होता है। 25 साल हो गया महिला विंग की प्रेसिडेंट जम्मू से है, यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट 20 साल से जम्मू से है, सेवा सेवा दल का प्रेसिडेंट 50 साल से मेरे ख्याल से जम्मू। कांग्रेस में आप क्यों है? नहीं, फिर क्यों है आप, जब आपकी बात सुनती सुनी नहीं जाती है। आज वर्किंग प्रेसिडेंट भी जम्मू से बनाए इन्होंने, आज यहाँ प्रेसिडेंट भी बनाया जम्मू। आप चाहते क्या? हमको टंडल में शटल लगाना है, आप चाहते कांग्रेस बंद करना है, आप चाहते क्या? मैं चाहता हूँ रियासत में जिस तरह इंदिरा जी ने नुमाइंदगी दी, कैसे की थी, जिस तरह नेहरू जी ने नुमाइंदगी दी, एक मुफ्ती मोहम्मद सईद को बनाया, सादिक साहब को बनाया, तो अब कौन सा ऐसा शख्स है जिसको बनना था? बनना किसको था वो दिल्ली वालों को पता है। आप किसको चाहते थे? नहीं, मैं किसी को नहीं चाहता वो दिल्ली। पॉलिटिक्स के बगैर अमीन साहब, अब तो दो दिन आपको सारा कुछ कहूंगा। नहीं, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, नहीं हमारा मानेंगे तो दो दिन के बाद हम कांग्रेस से रिजाइन कर देंगे। अगर आपकी बात नहीं मान, अगर हमारी बात नहीं, कुछ हिंट ड्रॉप करेंगे ये जो देखने वाले हैं, ये आपको सुनना चाहते हैं। अमीन साहब दिल से बात कीजिए। हमें क्या है, हमें लोग साथ है। कौन से लोग? हमें अपने लोग साथ है, लोगों के पास जाएंगे, कल हमारी मीटिंग भी यहाँ है, मैं लोगों को पूछूंगा हमें क्या करना। हमने खून से कांग्रेस को बनाया, हमने 25 सीटें जीती है यहाँ, लेकिन वकालत, एक मिनट, डीडी से हमने 25 सीटें जीती है, मुसलमानों ने जीता, एक भी हिंदू सीट नहीं आई है हमको। हमने 12 सीटें जीती है असेंबली में 2014 में, हमने तमाम मुस्लिमों ने जीता है यहाँ पर, पीर पंचाल और चिनाब वैली, और हमने यहाँ कश्मीर में 4 सीटें जीती है, और लद्दाख से 3, 2 बौद्ध 1 मुस्लिम, हिंदू ने कोई सीट नहीं दिया। सारी नुमाइंदगी हम सिर्फ जम्मू सिटी को हम देते हैं, नॉट चिनाब वैली एंड पीर पंचाल, सिर्फ जम्मू सिटी के प्रेजिडेंट है, महिला विंग, सेवा दल, इंटेक, 30 साल हो गए इनको प्रेजिडेंट। अमीन साहब बिल्कुल नरम हम चाहते हैं। मैं अपील करता हूँ सोनिया गांधी और राहुल गांधी से और गुलाम नबी आजाद से, कश्मीर को नुमाइंदगी होना चाहिए, सबसे ज्यादा सीटें हमने म्युनिसिपलिटी कमेटी में 17-18 सीटें दी है, और जम्मू में हमको म्युनिसिपलिटी ने 14 सीटें दी है। हमने हिलाल शाह को इधर बनाया, 23 सीटें जीती, हमने वो डूरू का वो इकबाल आंगर को बनाया, हमने सुसुम्बल सोनवारी में ये टाउन बनाया, हमने बारामूला में ये टाउन प्रेजिडेंट बनाया, हमको क्या मिला? हमको कुछ नहीं मिला है रियासत। अगर मैं उस वक्त प्रेजिडेंट होता तो मैं तो इस्तीफा देता है, नुमाइंदगी बराबर होनी चाहिए, सबसे ज्यादा नुमाइंदगी होनी चाहिए कश्मीर में, आबादी सबसे ज्यादा है कश्मीर में। अमीन साहब एक आखिरी सवाल मुझे बताइए, वकार रसूल के बनने से आप ज्यादा क्यों भटक गए? भटक नहीं गए, ही इज जूनियर टू मी। देन व्हाट?
वो मेरे मैंने लाया देन व्हाट नहीं मैंने लाया उसको आई आपका आपको बनना था क्या नहीं मुझे थोड़ा बनना था अगर वकार रसूल फॉरवर्ड मिनिस्टर रहे हैं तो आपको क्यों हाल बनने से थोड़ा वो मिनिस्टरी भी वो लेंगे प्रेसिडेंट भी तो उसको इंट्रोड्यूस किया आजाद साहब की जब रैली में थे आप ही बोलते थे थोड़ा उसके खिलाफ नहीं मैं हूँ अलबत्ता इंसान को मैं इसलिए कश्मीर की बात कह रहा हूँ मैंने खून दिया 40 साल कांग्रेस में ग्रास रूट लेवल से मैंने काम किया मेरे आदमियों को मैंने यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट यहाँ काम किया हर गली में गया हर गली में मैंने पोस्टर लगाया सोनिया गांधी का राजीव गांधी का गांधी फैमिलीज का अगर हम कांग्रेस है बिकॉज ऑफ गांधी फैमिली मैं इज्जत करता हूँ सोनिया लेकिन वो भी नहीं छोड़ते मेरे ब्लॉक प्रेसिडेंट मारे गए मेरे क्या बताऊं क्या किया है मगर इतना मैंने काम किया हमको पूछते नहीं अगर हमको पूछा फिर एक्शन क्यों नहीं किया फिर उस पर अमल क्यों नहीं किया गया मुझे कमिटमेंट है 4-5 लीडर की इसको बनाएंगे फयाज को बनाएंगे मगर वो कमिटमेंट आज फेल हो गई इसलिए मैं भड़क गया और कश्मीर को नुमाइंदगी नहीं है किसी भी विंग में कांग्रेस को कश्मीर में नुमाइंदगी नहीं है एक आखिरी सवाल खाली एक आखिरी सवाल क्या आप कांग्रेस से मायूस है मैं कांग्रेस से मायूस हूँ कितना मायूस बहुत जबरदस्त सोनिया गांधी जी के लिए आजाद साहब के लिए और दूसरे लीडर जो है राहुल गांधी के लिए प्रियंका के लिए कोई खास पैगाम बस यही मैं अपील करता हूं जल्दी इस पर विचार होना चाहिए कश्मीर को नुमाइंदगी मिलनी चाहिए हर एक चीज में कश्मीर को नुमाइंदगी यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट 20 साल से जम्मू 25 साल से वो शोभनदार थी प्रेसिडेंट एमएलए भी बन गई नॉमिनेशन पर या यहाँ कांग्रेस ही नहीं है सबसे सीटें 4 MLA हम आए जम्मू इधर की तरफ देखिए सर जम्मू में कोई MLA नहीं बना जी जम्मू में कोई MLA नहीं था नहीं 2014 में लिहाजा मेरी अपील है कि आजाद साहब इंटरनेशनल लीडर है आजाद साहब बहुत बड़ा लीडर है उसने क्यों इस्तीफा दिया जब उसने इस्तीफा दिया हम कौन है हमने भी इस्तीफा दिया तो वकार रसूल को बनने से आप मुझे लगता है मायूसी ज्यादा है नहीं मुझे नहीं है मायूसी बन गए जो बन गए तो उसको क्या है मायूसी अलबत्त तो आप उसका साथ क्यों नहीं निभाओगे मैं दिल्ली वालों से नाराज जो हमारे साथ कमिटमेंट किया गया है उस पर मैं नाराज हूं चलिए अमीन साहब ने अपने पत्ते नहीं खोले अमीन साहब ने यह भी नहीं बोला कि किसको बनना चाहिए हाँ मुद्दा और मकसद बिल्कुल साफ है ये चाहते हैं कि कांग्रेस को मोतबर और फाल बनाने में जो जमीनी सतह पे कोशिशें होनी चाहिए शायद यहां के लीडर जो इन्होंने फीडबैक दिया था दिल्ली की मीटिंग में ये काफी मायूस है इस लिहाज से क्योंकि इनकी राय को आगे बढ़ा आगे जो है वो एक तो लिया नहीं गया दूसरा उस पर अमल नहीं किया कांग्रेस के जो कमिटमेंट इनके साथ की गई थी तो अमीन साहब नाराज है अब ये नाराजगी देखनी होगी ये कब तक रहेगी क्योंकि इनकी मीटिंग हो रही है 2-4 लेजिस्लेटर्स की क्या पता ये फैसला क्या करेंगे फिलहाल अमीन साहब के इस कांग्रेस हेडक्वार्टर जो हाउसिंग कॉलोनी में इस वक्त मौजूद है क्योंकि मीडिया का तांता यहां पे लगा रहता है और अमीन साहब बात करते हैं दिल से बात करते हैं फिलहाल ऋषि उमर के साथ इजाजत खुदा हाफिज